नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सीतापुर से खबर है, बता दें कि पुलिस महानिदेशक यूपी के निर्देश पर आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधित चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मोहोली पुलिस के द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों के द्वारा अर्जित की गई भूमि की अनुमानित कीमत 1,10,00,000 रुपए की आकी गई है, जो कि अब कुर्क की जा रही है। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश पर अपराधियों विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना महोली पुलिस द्वारा डीएम महोदय के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, नशे का कारोबार करने, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमका करके वसूली करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफूर इकबाल निवासी बट्सगंज कोतवाली नगर सीतापुर, जो मूल रूप से थाना महोली ग्राम गजपतपुर का निवासी है, वहाँ पर इसके दो भूखंड जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,10,00,000 रुपया है। इसको कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के तहत 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनपद में ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से ऐसी संपत्ति बनाई है, इनका सम्यक चिन्हांकन करके इसके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। खाद के लिए किसान सहकारी समिति के चक्कर काट रहे। दरअसल प्राइवेट तौर पर सरकारी दामों से बढ़कर खाद बेची जा रही है, जिससे किसान बेहद परेशान है। कहाँ से हैं आप? पंडरी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सुबह से खड़े हैं, भीतर से खाद बेचते हैं, 350 रुपए की बेच रहे हैं। आपको खाद मिली या ना मिली? आप कै बजे आए थे? हमारे संवाददाता सत्यम सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा ही मामला प्राइवेट सहकारी केंद्र का है, बरुआ सुमेरपुर का, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर किसान बराबर जो है प्रदर्शन भी कर रहा है। कुछ दिनों पहले मौदा में भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि इतने बड़े दामों में जो है बढ़ाकर जो है ये खाद बेची जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो खाद आती है तो साठगांठ से ही मिली भगत से कहीं ना कहीं इनको ये सर्वाइव करवा दी जाती है खाद। इसके बाद में ये वही सरकारी खाद को जो है प्राइवेट तौर पर ब्लैक करके जो है ये बेचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के जिला प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि खाद इतनी जल्दी खत्म हो जाती है और प्राइवेट तौर पर ये बेची जा रही है, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठे हुए सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठे हुए, किसी तरीके की कोई भी अधिकारियों को कानों में जू नहीं रेंग रही है कि यहाँ पर साफ तौर से जमीन स्तर पर आए और किसानों से बातचीत करें और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन इसके बजाय कुछ भी करने को तैयार नहीं, सिर्फ ऑफिसों में एसी की हवा खा रहे हैं। जी सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे कि हमीरपुर में कितने ऐसी जगह हैं जहां पर प्राइवेट तौर पर खाद बेची जा रही है, और आपने जैसा कि बताया कि प्राइवेट तौर पर खाद बेची जा रही है, तो क्या किसानों ने अभी तक इसकी शिकायत अधिकारियों से नहीं की है? जी बिल्कुल, बता दें अधिकारी की ही साठगांठ से ये सारा खेल खेला जाता है, कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद रहता है जिसकी वजह से ये इतने बड़े बढ़ते दामों में ये सारी खाद बेचते हैं। और जो सरकारी जो समिति होती है जहां से खाद किसानों को उपलब्ध होती है वहां पे खाद नहीं मिलती है, खाद ही खत्म हो जाती है, लेकिन खाद खत्म हो जाती है इतनी बड़ी मात्रा में खाद आने के बाद में इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। सत्यम, लेकिन सवाल यहां पर ये भी उठता है कि किसान जो कि बेहद परेशान है, अब उनके आगे हल क्या बचा है? जी बिल्कुल, बता दें ये कहना गलत नहीं होगा कि बुंदेलखंड का किसान हमेशा से ही आपदा में जो है रहा है, चाहे ओलावृष्टि हो,
चाहे ज्यादा बारिश हो, जिसकी वजह से फसलें खराब होती हैं और आए दिन देखते भी हैं कि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली या फिर कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। तो ऐसी ही कहीं ना कहीं जो ज्यादा फसल ना होने की वजह से ये सारे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर समय से ये खाद नहीं मिल पाती है किसानों को, तो स्वाभाविक बात है कि जो फसलों को हुआ नुकसान होगा तो जो उनकी पूंजी है वो भी खपत हो जाती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मजबूरन जो है इनको फांसी या फिर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी सत्यम, जैसा कि आपने बताया कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है, तो क्या किसानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से किसान अपनी परेशानी को जाहिर कर सके? जी बिल्कुल, बता दें कि बार बार जो स्थानीय किसान है और एक ही जगह नहीं, सुमेरपुर ही नहीं, चाहे मौदाहा हो, चाहे सरीला हो, चाहे राठ हो, लगभग हर कस्बों में जो है प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि समय से खाद नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, इनके कानों में जू नहीं रह रही। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। किसान बेहद परेशान है क्योंकि खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। अगली खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि आगरा से दो सगी बहनों के घर से गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों बहनें आईपीएस अधिकारी बनने के लिए घर को छोड़कर चली गई थी, तो वहीं पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है जब पुलिस ने दोनों सगी बहनों को ढूंढ निकाला। दरअसल जल्द शादी होने की आशंका में दोनों सगी बहनों ने घर छोड़ दिया था। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को थाना मलपुरा पर शाम को लगभग 7 बजे सूचना मिली। हंस गोपेश्वर धाम स्थित एक घर है जहाँ पे दो लड़कियाँ निवास करती थी, एक क्लास 10th की थी और एक क्लास 12th की। सूचना ये मिली कि ये लोग सुबह स्कूल के लिए निकले थे 7:30 बजे और जनरली 2:30 से 3 बजे ये लोग वापस आ जाते हैं स्कूल से, लेकिन ये लोग अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए। इस सूचना पे तत्काल हमने अपने टीम्स लगा दी, सर्विलांस की, SOG की, और इसके अलावा 3 थानों से भी हमने टीमें लगाई थी और हमने इस घटना पे पूरा अपना फोकस कर लिया। और जितने हमारे CCTV कैमरा थे उस रूट के, जो कि स्कूल तक जाते हैं या फिर जो मेन रोड से हट के दूसरी जगह जाते हैं, हमने उस पर फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पैरेलली हमने ये भी इनिशिएटिव लिया कि जितने भी इनके सोशल मीडिया के अकाउंट थे वो हमने भी, हमारे जो सर्विलांस टीम है वो उस पर काम करना। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कठोर कदम लगातार उठाए जा रहे, तो वहीं लगातार निगरानी भी रखी जा रही। बता दें कि प्रदेश के 17 शहरों में साफ हवा के लिए 20 विभाग मिलकर काम करेंगे, जिसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें आपको कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार चालक की पहचान जिला रामपुर का निवासी बताया जा रहा है और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ट्रैक्टर को भी कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई। सोमवार को यूपी में घना कोहरा बड़े हादसों का कारण बन गया। यूपी के औरैया, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक भयानक सड़क हादसे हो गए। हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 8 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। No.
लखनऊ एक्सप्रेस वे से निकल रहे हैं, एक हादसा हुआ है, किस तरीके से आप कहेंगे क्या? क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है बस और ट्रक में जो एक्सीडेंट हुआ है, बस में जो लोग बैठे थे कुछ घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई है, सैफई ट्रामा सेंटर और अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज होने गया है। जो दिखाई दे रहा है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने किसी की रफ्तार या ध्यान नहीं दिया होगा जिसके कारण हुआ है। जो भी इस समय चले मौसम को देखते हुए अगर कोहरा है तो अपनी रफ्तार बचा करके आराम से चले जिससे इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे ना हो। मुझे उम्मीद है सरकार इसकी पूरी मदद करेगी, मरने वालों की जो जान गई है उनकी मदद हो, घायलों का अच्छा इलाज हो और सहयोग मदद जो मिल सकती है वो करें। आसपास के जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं इनसे भी कहूँगा। 8 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई और या पुलिस को कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक हादसा हुआ है, तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए अपने स्थानीय पुलिस को जिसमें अरवा कटरा की फोर्स, विधुना की फोर्स और यहाँ उमरन चौकी अरवा कटरा में पड़ती है, फोर्स को रवाना किया गया। फोर्स आई तत्काल मौके पर उपस्थित हुई। कन्नौज और इटावा की फोर्स से भी कोऑर्डिनेट किया गया है, वहाँ की फोर्स भी काफ़ी गहरा कोहरा होने के बावजूद भी काफ़ी मुस्तैदी से तुरंत तत्काल मौके पर पहुँची। कितने लोगों की डेथ? इसमें टोटल 3 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सफाई भेजा गया है, सफाई अस्पताल में। यहाँ पे अभी वर्तमान में रेस्क्यू जारी है, आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि सारी टीमें लगी हुई हैं, यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और बसों को जो काफ़ी टूटे फूटे हैं इनको रेस्क्यू जारी है। किस हिदायत दी जा रही है? हिदायत यह दी जा रही है कि घना कोहरा बहुत ज़्यादा इस समय घना चल रहा है तो काफ़ी सेफली चले, आराम से चले। इसमें कन्नौज में ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत तो हो गई। बता दें कि बोलेरो सवार 6 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अमृतसर से खबर है, जहां बता दें आपको कि गुरदीप पहलवान को मौत के घाट उतारने वाले गैंगस्टर के द्वारा मुख्य गवाह को गवाही ना देने का दबाव लगातार डाला जा रहा। इसी सिलसिले में आज टेलीफोन एक्सचेंज में सुखबीर सिंह सोनू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पुलिस ने आज तक मुख्य गवाह को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जबकि बार बार पुलिस को सूचित किया जाता रहा है कि हमलावरों के द्वारा लगातार गवाह को गवाही ना देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस मुस्तैद नहीं है। मामला है जी, साड़िया मेन मुख गवाहियां साड़िया मेरा ब्रदर गुरदीप पहलवान प्रजाबा बरादरी दे कौंसलर साहब 5 नंबर वार्ड चो, जिन्हों का गैंगस्टर ने कतल करता ही गोलबाग स्टेडियम विच, ए ओ मस्तक विच सानू मेन गवाहियां साड़िया पहला भी पिछे जे सानू 8-10 दिन हो गए धमकियां आईया सी, इस करके हूँ फिर मेरी मेन मुख कल गवाही है कि सानू धमकियां आ रही गैंगस्टर बोवी ग्रुप वालों। फतेहाबाद में आयोजित जिला पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का कुछ सरपंचों ने विरोध किया। जवाब में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विरोध करने वालों को बताया सेल्फी लेने वाले लोग। पंचायत मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में ईमानदार सरपंच और पंच ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं। बाद में काम करवाएंगे। मेरा सवाल आज आपसे, क्यों विरोध कर रहे हैं और वो कौन है इक्का दुक्का लोग, ये मेरा सवाल आज मीडिया मेरे से पूछे। ये सरकार अपनी मर्जी से काम करवाएगी। सारा का सारा सिस्टम हमारे पूरे देश का, हमारे प्रदेश का हर डिपार्टमेंट, जब थ्रू टेंडर प्रोसेस हम काम करते हैं, आप PWDP अंडर को, हेल्थ को, हमारे मार्केटिंग बोर्ड को, कोई भी डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, इरीगेशन को, क्या कोई भी डिपार्टमेंट बिना टेंडर के काम कर रहा है? नहीं कर रहा। अभी पहले हमारे गलियों की पैमाइश नहीं थी, अभी जो हमारी लाल डोरा फ्री करके हमारे पास 1-1 इंच की पैमाइश है। आज गलियों की पहली बात तो मैं एक चीज़ आप मेरे साथियों को आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, कितने परसेंट गलियों की डिवेलपमेंट कम होगा? कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30, या कहीं दोबारा खराब होगी 35 होगी।
क्या हम गाड़ी और नाली तक गांव का विकास कर सकते हैं? क्या हम हमारी एजुकेशन, स्वच्छ पीने का पानी, 24 घंटे लाइट हमारे गांव तक, क्या हम अच्छे पार्क हमारे गांव में ना बनाए? क्या हम स्ट्रीट लाइट लाकर कैमरा वाली सुविधा देकर हमारे गांव की सेफ्टी ना दें हमारी बहन बेटियों को? क्या हम ग्रे वाटर की वजह से जो हमारे और महाग्राम पंचायतों में STP लगाकर शहर की जो हमारी योजना है उसको ना लागू करवाएं? आज भी आप सिवाय गली के काम को छोड़ के, आज से पहले की पंचायतें सभी काम टेंडर से होते थे, सिर्फ अब गलियों का काम कितना बकाया है ये भयभीत करने वाले लोग हैं। ये सेल्फी का आजकल ये जमाना है, सेल्फी वाले लोग हैं ये जो सेल्फी खिंचा के अब दिखाएंगे, देखो जी हम मंत्री साहब के वहाँ गए थे, मंत्री जी का प्रोग्राम बोल के आए, आपने मंच से भी काम को नहीं लोग उनको कोई अपना एक थोड़ा सा अलग एजेंडा है। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को आज आप लोगों के माध्यम से, और उन अच्छे मेरे ईमानदार सारे सरपंचों को आश्वासन देने लग रहा हूँ, चिंता ना करो, आप एस्टिमेट बनवाओ, अपने प्रस्ताव डालो, सिर्फ गली नाली पे मत रखो गांव को चहुमुखी विकास दो। इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना है और ये जवाब मांगेगी आपसे, और 5 साल के बाद आप ऐसे काम कर जाओगे जो योजनाओं को लागू अपने गांव में करवा गया, जो नौसरी कार्यक्रम है जिससे लोग अपना लगा कर फिर रिकवरी एजेंसी जो उन्होंने तो सरकार के पैसे से डेवलपमेंट के पैसे से शुरू कर रखी है, आने वाले समय संभव नहीं है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम चाहती है, मेरे को ये विभाग की जिम्मेवारी मिली है और मैं ईमानदार से अपने पद में निर्वहन करने लग रहा हूँ। ईमानदारों की फौज हरियाणा प्रदेश में खड़ी हो चुकी है, हर जगह एक दो किलकी मारने वाले मिले मेरे को, 90-95% लोग मेरे सामने मेरी बात से सहमत होकर गए हैं। उसमें सुझाव दीजिए हमें और इम्प्रूवमेंट क्या करना है, मंत्री जी इसमें ये लेके आ सकते हैं। हम ये ई लाइब्रेरी का सोचा था कभी किसी ने? सरकार सर फदवा की बिल्डिंगे दर्जर होने लग रही थी, बिल्डिंगे उनको हमने ठीक करवाने का काम किया सर फदवा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर नमन किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र की आजादी के लिए दिया गया उनका बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत का कार्य रहेगा। अमृतसर में आज विक्रमजीत सिंह मजीठिया के द्वारा पंजाब रोडवेज PRTC और पनबस के मुलायम के द्वारा हड़ताल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि आप बादलों की बसों को बंद कर रहे हैं जबकि पहले पंजाब रोडवेज की बसों को चलाओ, और उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा सरकारी मुलाजिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। थोड़े सारयां दा जी पहला दा जी आया नू प्रेस दे वीरां दा, अज आपां सारे पनबस PRTC पंजाब रोडवेज नाल संबंधित कर्मचारी जिदे च ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, होर भी ने जिन्हां दे नाल और जिन्हां दे धरनियां च मैं वीडियो राही तुहानूं विखाऊंगा कि मौजूदा ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर आप शामिल हुंदा रहा, विश्वास दवाउंदा रहा और पंजाब दी विधानसभा च इलेक्शन तो पहला भी विधानसभा दी इलेक्शन तो पहला और पंजाब दी विधानसभा च 30 जून 2022 च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वायदा किया सी कि जो पिछलियां सरकारां कच्चे मुलाजमां नू पक्का नहीं किया सी उन्हां नू इन्हां दी सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार भगवंत मान केजरीवाल उन्हूं पक्के करांगे। मगर अज असलीयत की है कि जेड़े 7800 मुलाजम ने कोई यही ने ना जी टोटल उन्हां नू पक्के तां की करना सी, अज चिट्ठी कढ़ती है, ये चिट्ठी दी तरीक है, ये भी मैं तुहानूं कापी सेंड कर दूंगा। ये हले ट्रेलर है, ट्रेलर किहड़ा हले कहिंदे 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 ना फिल्म बाकी है, हले तां कहिंदे पार्टी शुरू होई है भगवंत मान दी। ये विआह दी खुशी च पहला रगड़ा इन्हां दी चाड़ता मैनूं लगदा विआह इन्हां दी, और की रगड़ा चाड़िया
जिन्हां दे बारे कहा गया सी तुहानू पक्के करांगे। पक्के तां की करने सी 302 पीआरटीसी दे 132 पनबस दे 170 मुलाजमां नू विदाउट नोटिस बगैर इनकुआइरी तो कढ़ता गया और ब्लैकलिस्ट करता गया। ब्लैकलिस्ट पता ना जिहड़ी ओह लिस्ट बाहर चले गए सी माड़े समयां च NRI जिहड़े कहिंदे साडी ब्लैकलिस्ट मोड़ दो, ये ब्लैकलिस्ट खत्म कर दिओ। केंद्र दी सरकार ने खत्म करती मगर भगवंत मान दी सरकार ने पंजाब च लागू करती। अधिवेशन के पहले दिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकायुक्त बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। आपको सुनाएंगे। बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त तो होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, साथ में दो और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे, 5 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग का बेंच होगा। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था, उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे, अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विरोध में मोर्चा निकले तो उसे नैनो मोर्चा बोलना बीजेपी की प्रथा रही है। आप भी सुने। आपके खिलाफ आज शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोग जाने वाले एफआईआर करने के बारे में, एक उनका जो सोचने का ढंग है बहुत गलत है। किसी के बहकावे में आकर अगर कोई मेरे खिलाफ इस प्रकार से एफआईआर करना चाहता है तो करने दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हम काम करते हैं। छत्रपति शिवाजी का अपमान, शिवाजी महाराज का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। जिस मराठा मोर्चा की बात हो रही है वो तो मराठा मोर्चा अगर है तो है। हमने कहा, हमने किधर कहा कि हमारा मोर्चा है? पहले भी आया है इस प्रकार की फोटो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र में अंदरेश पैदा करना चाहती है। कभी ये संगठन को पकड़ो, कभी उस संगठन को पकड़ो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लाखों का मोर्चा निकला फिर भी कहते हैं नैनो मोर्चा। लाखों के महामोर्चे निकले मराठा समाज के, उन्हें भी कहा गया है नैनो मोर्चा। नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। कोविड काल के बाद हमें मौका मिला है नागपुर आने का और 2 साल हम नागपुर में सेशन नहीं कर पाए, तो युवाओं को तो जो पहला टर्म है, जैसे मेरा पहला टर्म है, हमें आशा है कि सेशन लंबा चले। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जो मैं रेज करूंगा इस सदन में, और आज पहला दिन है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग। सर,
जिसमें जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और महापुरुषों का अपमान की बात है, उस तरह को आप किस तरीके से रखते हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है और महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसके खिलाफ हो रहा है। जो आज के जो गवर्नर है उनका राजीनामा अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं है और हमारी तो यही मांग है, और महाविकास अघाड़ी ने महामोर्चा भी इस तरह किया है, क्योंकि महामानवों को हम ये जो जो ये इंसान। नागपुर में एक और अधिवेशन की आज से शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत भी नागपुर में की है। नागपुर के अशोका होटल में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में आगामी महानगर पालिका चुनाव पार्टी संगठन के विस्तार करने पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी प्रभारी सीटी रवि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस बैठक में उपस्थित रहे। सोलापुर में सिद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने को बचाने के उद्देश्य से हजारों किसानों ने मोर्चा निकाला। दरअसल सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने को बचाने के उद्देश्य से किसानों ने सिद्धेश्वर कारखाने से लेकर होम मैदान तक विशाल मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में 25 से 30 हजार किसानों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।